हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक किसान टेकारी परानी चंद्रवी। आज हम कक्षा 12 के थर्ड लेसन मानव जनन के अंतर्गत दो टॉपिक का अध्ययन करेंगे, निषेचन एवं अंतररोपण। निषेचन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं और अंतररोपण को इम्प्लांटेशन। आइए समझते पहले निषेचन। हम जानते हैं कि मैथुन और संभोग के समय, मैथुन और संभोग मतलब कॉपुलेशन के दौरान जो पेनिस होता है वो वीर्य सेचन के द्वारा मतलब अपने वीर्य को कहाँ पहुंचाता है, फीमेल के योनि में, वेजाइना में पहुंचाता है। इस वीर्य में क्या होते हैं, आपके नर युग्मक शुक्राणु होते हैं, वो गतिमान होते हैं अपनी गतिशीलता से, वो क्या होते हैं जो गतिशील शुक्राणु होते हैं योनि से होते हुए गर्भाशय ग्रीवा में पहुंचते हैं, वहां से पहुंचते हैं गर्भाशय में, अंततः पहुंचते हैं कहां पे, फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में, जिसे हम हिंदी बोलते हैं तुम्बिका, उस आधे भाग में पहुंचते हैं, यहीं पे निषेचन होना होता है। ठीक इसी समय अंडाशय से क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन के दौरान आपका क्या होता है, ओवम बाहर निकलता है, वह ओवम भी क्या होता है, जाकर के फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में पहुंचता है। इस तरह दोनों लोग क्या होते हैं, ओवम भी वहां पहुंच गया है जो हैप्लॉयड है, और शुक्राणु भी वहां जो पहुंच गया वो भी हैप्लॉयड है। इसी फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले भाग में इन दोनों का निषेचन होगा। निषेचन प्रक्रिया के दौरान जो आपके शुक्राणु होते हैं वो अंडाणु की जो बाहरी लेयर होता है पारदर्शी जोना पेलोसाइडा से क्या होता है, संपर्क में आते हैं, जिसके वजह से अंडाणु के जो बाहरी लेयर होता है जीनो पेलोसाइडा, इसके अंदर बदलाव होता है। इस बदलाव से ये निश्चित होता है कि ओवम के अंदर एक ही क्या होगा, सेकेंडरी ओसाइट्स जिसे बोलते हैं, कि अंदर एक ही स्पर्म एंट्री करेगा, एक से अधिक स्पर्म एंट्री नहीं करेंगे। अर्थात ये मोनोस्पर्मी को प्रमोट करता है और पॉलीस्पर्मी को क्या करता है, रिजेक्ट करता है। इसी दौरान शुक्राणु को जो एक्रोसोम ऊपर टोपी जिसकी संरचना होता है उसी में एंजाइम पाए जाते हैं, वो एंजाइम क्या करते हैं, जोना पेलोसाइडा अन्य जो लेयर हैं उनको क्या तोड़ करके शुक्राणु को क्या करता है, अंदर प्रवेश कराता है। कहाँ पे, ओवम के कोशा द्रव्य में क्या होता है, प्रवेश कराता। उस कोशा द्रव्य में क्या होता है, जैसे ही आपका शुक्राणु अंदर प्रवेश करता है मियासी जो क्रिया होती है वो प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट्स में अभी मियासिस सेकेंड नहीं होता है। जैसे ही आपका स्पर्म वहां पहुंचेगा, टच करेगा, वैसे ही स्टिमुलेशन हो जाएगा, जिससे सेकेंडरी ओसाइट्स में क्या होगा, मियासिस होगा, मियासिस के बाद आपका ओवम बनेगा, पोलर बॉडी। यही ओवम क्या होता है, आघूर्णित होता है। इस तरह आपका फैलोपियन ट्यूब में ओवम भी हैप्लॉयड पहुंच गया और शुक्राणु भी हैप्लॉयड पहुंच गया। अब उन दोनों में क्या होता है, इनके जो युग्मक होते हैं न्यूक्लियस होते हैं, ओवम के न्यूक्लियस और आपके शुक्राणु के न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, इसी मिलन को ही हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन। अब फ्यूजन के उपरांत आपका क्या होता है, द्विगुणित युग्मक जिसे जायगोट बोलते हैं उसका निर्माण होता। हम जानते हैं कि जो जायगोट युग्मक होता है वो 2n होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके एनसीईआरटी बुक में कि युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। यदि हम लोगों में गुणसूत्रों की संख्या मान लीजिए 46 है, 2n बराबर 46 है, तो जब मियोसिस होता है तो नर युग्मक बनेगा, वो क्या होगा, 23 गुणसूत्र वाला होगा, और मादा के शरीर में जब मियोसिस होगा तो 23 गुणसूत्र वाला ओवम बनेगा। जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, तो तेज तेज जब मिल जाते हैं तो 46 क्रोमोजोम अर्थात 2n क्रोमोजोम कितना आएगा, 46। इस तरह हम कह सकते हैं कि जायगोट युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है अर्थात 2n होता है। ये जो जायगोट होता है वो क्या होता है, आपका एक कोशिकीय होता है। अब इसके बाद इसके अंदर विदलन अर्थात क्लीवेज की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। क्लीवेज एक प्रकार का माइटोटिक सेल डिवीजन है, समसूत्री विभाजन है। यह घटना कब होती है, जब जो जायगोट है अब वो धीरे धीरे गर्भाशय की ओर मूवमेंट करने लगता है, जब यह स्टमक से जो फैलोपियन ट्यूब का जो भाग है सकरा, वहां से
जब गर्भाशय की ओर मूव करता है उसी दौरान युग्मनज में क्या होता है, समसूत्री विभाजन अर्थात क्लीवेज की प्रक्रिया होती है। इस क्लीवेज की प्रक्रिया के दौरान आपका जो जायगोट है दो कोशिकीय, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह संतति कोशा का बन जाएगा। जायगोट में जो संतति कोशाएं होती हैं उनको एक टर्म दिया जाता है ब्लास्टोमियर्स। अब आठ से सोलह कोशिकीय ब्लास्टोमियर अर्थात आठ से सोलह कोशिकीय भ्रूण को ही हम बोलते हैं क्या, तूतक या मारूला बोलते हैं। इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी जो बनावट है सहतूत एक है मोरस अल्बा उसी की तरह ये दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, मारूला स्टेट या तूतक। अब मारूला में क्या होता है, विभाजन प्रारंभ हो जाता है। विभाजन के बाद कई कोशिकीय क्या होते हैं, कोकर पोटी का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट की जो बाहरी परत होती है उस बाहरी परत को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। और आंतरिक जो उसके अंदर जो कोशिकाएं होती है उन्हें इनर सेल मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर सेल मास, जो आगे डिफरेंशिएट करके भ्रूण का निर्माण करेगा। जबकि ट्रोफोब्लास्ट है वो गर्भाशय के आंतरिक जो परत होती है एंडोमेट्रियम उससे जाकर क्या करेगा, अटैच करेगा। जैसे ही ट्रोफोब्लास्ट या ब्लास्टोसिस उससे आपका टच करेगा एंडोमेट्रियम उसके ऊपर चारों परत बना लेगी। इस तरह जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है वो ब्लास्टोसिस एंडोमेट्रियम में धस जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, इम्प्लांटेशन, हिंदी में है अंतःरोपण। क्लियर समझ में आया, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वही जब क्या होता है एंडोमेट्रियम अटैच होगा तो एंडोमेट्रियम कोशिकाएं ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर एक परत बना लेंगी, जिससे क्या ब्लास्टोसिस्ट आपके क्या एंडोमेट्रियम धस जाएगा। इसी घटना को हम बोलते हैं क्या, इम्प्लांटेशन। यही इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी अवस्था का प्रारंभ माना जाता। अब हम सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन के बारे में अध्ययन करते हैं। सगर्भता मतलब होता है प्रेगनेंसी, अब भ्रूण परिवर्धन मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आइए देखते हैं कैसे होता है। हम जानते हैं कि जो ट्रोफोब्लास्ट है वो गर्भाशय के इंडोमेट्रियम में धस जाता है, इसी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट अपने ऊपर कुछ अंगुली जैसी संरचना का निर्माण करता है, इसी अंगुली जैसी संरचना को हम बोलते हैं क्या, जरायु अंकुरण या कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। क्वेश्चन भी आता है कि मानव में किस तरह का विलाई पाया जाता है या प्लेसेंटा, तो हम बोलेंगे क्या, कोरियोनिक प्लेसेंटा या कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। अब ये जो कोरियोनिक विलाई है गर्भाशय ऊतक और मातृ रक्त, मतलब जो कोरियोनिक विलाई जो ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा डेवलप किया गया है वो माता के ब्लड एवं माता के गर्भाशय ऊतक से घिर जाता है। तब वो क्या करता है, यूटेरिन टिश्यू जिसे गर्भाशय ऊतक और कोरियोनिक विलाई ये दोनों आपस मिलकर के एक संबंध स्थापित करते हैं जिसका नाम होता है अपरा या प्लेसेंटा। ये संबंध किसके किसके बीच में होता है, भ्रूण जिसे हम बोलते हैं फीटस तथा माता के शरीर के साथ होता है। एकदम ये पिक्यूलियर करैक्टरिस्टिक्स है, ये संबंध दो अलग अलग उत्कों के बीच में होता है, इसे हम बोलते हैं क्या, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा क्या क्या कार्य संपन्न किया जाता है, नंबर वन है प्लेसेंटा जो है यह नाभिक रज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ जाता है। ये नाभि रज्जु आगे जाके नाभि रज्जु बना करके फीटस अर्थात भ्रूण से यह जुड़ जाता है। नंबर दो कार्य क्या है, जितने भी न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं न्यूट्रिएंट मटेरियल, वो माता के शरीर से इसी प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण
में पोषण के लिए जाता है। दूसरी तरफ थर्ड जो कार्य है, भ्रूण या फिटस के द्वारा उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उत्सर्जी पदार्थ है, इसी प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण से किधर की ओर जाता है, माता की ओर जाता है। इसके अलावा जो प्लेसेंटा है वो अंतःस्रावी ऊतक के रूप में भी कार्य करता है, अर्थात इससे कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं जो प्रेगनेंसी में मदद करते हैं। देखिए कौन कौन से हार्मोन है, नंबर वन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, एस्ट्रोजेन, प्रोगेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ये चार हार्मोन है ऊपर के 1, 2, 3, 4, ये कहाँ से निकल जाते हैं, अपरा से निकलते हैं, जबकि जो रिलैक्सिन है वो अंडाशय से निकलता है। कब निकलता है, गर्भावस्था के लास्ट समय में निकलता है, अर्थात ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। इस तरह हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान तीन तरह के हार्मोन बनते हैं, नंबर वन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, नंबर दो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन और थर्ड है रिलैक्सिन। ये तीन लोग क्या होते हैं, केवल गर्भावस्था के दौरान ही बनते। अब देखते हैं क्या कुछ ऐसे भी हार्मोन्स हैं जो शरीर में उनकी मात्रा क्या होती है, रहती तो है लेकिन गर्भावस्था के दौरान उनकी मात्रा क्या होती है, अत्यधिक बढ़ जाती है। कौन कौन से हार्मोन है, एस्ट्रोजेन है, प्रोगेस्टेरॉन है, कॉर्टिसॉल है, प्रोलैक्टिन है, थायरोक्सिन, इनकी मात्रा बढ़ जाती है। ये सभी जो हार्मोन से क्या करते हैं, माता के उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, भ्रूण के वृद्धि में क्या करते हैं, सहयोग देते हैं और थर्ड सगर्भता प्रेगनेंसी बनाए रखने में मदद करते। अब हम पढ़ेंगे क्या आगे के स्टेप में देखते हैं, जो इनर सेल मास है हमने फिर बोला है ब्लास्टोसिस्ट जो होते हैं उसके ऊपर के लेयर ट्रोपो ब्लास्ट होती है जो प्लेसेंटा का निर्माण कर देती है। अंदर जो इनर सेल मास होता है उसके अंदर कुछ स्टेम सेल होते हैं, इन स्टेम सेल के अंदर एबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि शरीर के नए ऊतक या अंगों का निर्माण कर सके। तो उन्हीं इनर सेल मास के अंदर क्या होती है, स्टेम सेल होती है जो नए नए ऊतक या अंगों का निर्माण करती है। यही इनर सेल मास आगे जाकर सबसे पहले बाहरी लेयर बनाता है, फिर भीतरी लेयर बनाता है। बाहरी लेयर को हम इक्टोडर्म और भीतरी लेयर को हम इंडोडर्म कहते हैं, इन दोनों के बीच में जो लेयर बनता है उसे मेसोडर्म बनते हैं। इस तरह मानो क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाएगा, क्योंकि इनके अंदर तीन जर्म लेयर पाए जाते हैं, आउटर है इक्टोडर्म, मिडल है मेसोडर्म और इनर है इंडोडर्म। ये तीनों मिलकर शरीर के ऊतकों का निर्माण करेंगे एडल्ट अवस्था में जो ऊतक पाए जाते। अब देखते हैं मानव का जो नॉर्मली गर्भकाल अवस्था होता है 9 महीने लगभग होता है, और बुक में कुछ क्वेश्चन पूछे कुत्ते में गर्भकाल कितना होता है, गर्भावस्था 63 डेज का होता है, जबकि हाथी में 22 मंथ का होता है और बिल्ली में 63 से 67 दिन का क्या होता है, गर्भकाल होता है। अब हम देखेंगे कि मानव स्त्री के गर्भकाल के अवस्थान जो फीटस है, भ्रूण है, उनके अंदर क्या क्या स्टेप बाय स्टेप परिवर्तन होते हैं देखते हैं। 1 मंथ जब बीत जाता है गर्भावस्था के दौरान तो हम लोग भ्रूण के हृदय की धड़कन को स्टेथोस्कोप जो आला होते हैं डॉक्टर जो कान में लगाते हैं उसके द्वारा हम लोग क्या हृदय की धड़कन को सुन सकते हैं। एंड ऑफ मंथ ऑफ 2 दूसरे महीने के अंत तक भ्रूण के पैर का विकास हो जाता है, अंगुलियों का निर्माण भी हो जाता है। एंड ऑफ 12 वीक्स 12 सप्ताह के बाद था 12 सप्ताह के बाद अर्थात फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान अंग तंत्र का विकास हो जाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पाद का विकास हो जाता है और वह जननांगों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता। अब आता है ड्यूरिंग 5th मंथ 5वें महीने के दौरान फीटस के अंदर मूवमेंट प्रारंभ हो जाता है, सिर पे बाल उग जाते और ड्यूरिंग एंड ऑफ 24 वीक के एंड में अर्थात सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या घटनाएं होती हैं, शरीर पे पूरे बाल आ जाते हैं, आंखों के ऊपर बरौनियां जो हैं ये बरौनियां उनका क्या विकास होने लगता है और पलक जो बंद होते हैं वो अलग हो जाते हैं, खुलने लगते हैं। कब, सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद।
और 9 महीने के बाद जो फीटस होता है पूरी तरह डेवलप हो जाता है और प्रसव के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता। धन्यवाद।